हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी टेट का इन्वायरमेंटल स्टडी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसके 100% एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर बताया जाएगा। मैथ का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पूरा का पूरा आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल एकदम करेक्ट आंसर है, डी आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। तो 122 है कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, मतलब मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है? ये चारों, मतलब कि एरोसोल का कैंस जो है उससे भी होता है, वनों का जलना उससे भी होता है, जो जलवायु परिवर्तन या कृषि क्रियाकलाप के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 123 देखते हैं। विच क्रॉप बिलोंग टू द फैमिली ऑफ यूफ्रोविसिया इज नोन एज द प्रोड्यूसिंग बायोडीजल? तो इसमें से कौन सा ऐसा फैमिली से बिलोंग करता है जो बायोडीजल प्रोड्यूस करता है? तो जाटाट्रोपा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 124 देखते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे को हिंदू धर्म में महत्व है और इसका मतलब कि साइंटिफिक नेम क्या है? ऑस्मोसिस सेक्टम है। और इस किस मतलब किस पौधे का नाम है ऑस्मोसिस सेक्टम? तो ये तुलसी, CHSL 2016 के पेपर में जो सेंटर का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तुलसी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पीने के लिए सुरक्षित पानी क्या होता है? तो देखिए 125 का पीने के लिए, देखिए यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर है और यहाँ पर पोर्टेबल भी है, फ्रेश वाटर भी है। तो यहाँ पर पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर 125। 126 देख लेते हैं। वर्ष 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी जो था, इनमें से किस गैस के लिए था? मिथाइल आइसोसाइनाइट, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 100% सही है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट 127। तो 127 यहाँ पर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, एकदम 127 का सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन जो वो किससे रिलेटेड थे? तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ना कि ए। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एम एस स्वामीनाथन जो थे वो कृषि वैज्ञानिक थे, सी। इनको फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इन्हीं के कारण आया था, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 128 का देख लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। 129 देखते हैं। वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? तो देखिए 129 का देहरादून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ये भी गलत है, जो भी कैंडिडेट भेजे हैं उनका गलत है, ऑप्शन डी जो क्वेश्चन नंबर डी हो गया। 129 का फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पत्ते निम्न में से किसको सोख लेते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको लेते हैं वो, और ऑक्सीजन बाहर देते हैं। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। 130 का 131 देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, मतलब कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाला जीवों को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है मृत। जो आपको 131 है इसका आंसर हो गया डेट्रीबोरस, मृतक भक्षी। तो ये सही हो गया, एकदम टू करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 132 देखते हैं। देखिए व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द हीटेड ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर को हीटेड जियोथर्मल एनर्जी होता है, सबको पता है। 132 का आपका जो भी मारे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए विच टाइप ऑफ एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द हीटेड ग्राउंड वाटर। तो हीटेड ग्राउंड वाटर से जियोथर्मल नहीं होता है। 132 का आपका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होना चाहिए। तो इसका भी जो कैंडिडेट मारे हैं भूतिपूर ऊर्जा, वो गलत है। जल भित्तिक ऊर्जा जो है, ये ऑप्शन जो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 का देखिए। 16 ग्रासलैंड आर फाउंड इन, तो 16 ग्रासलैंड कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में। ये भी क्वेश्चन कैंडिडेट का गलत है। 133 का टू आपका करेक्ट आंसर है। भारत में पेलिकिन पक्षी कहाँ प्रजन करते हैं? तो भारत में पेलिकिन पक्षी जो है 134 का ये करते हैं नेलापट्टू, जो बी आपका ऑप्शन है ये करेक्ट है। देखिए कैंडिडेट का जो ऑप्शन गलत है वो हम आपको बताते चलते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसका
काला पट्टू जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, जो बी होगा ये इसका करेक्ट है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये ठीक है कुछ कुछ गलत किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 देख लिए, नेना पट्टू होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, मीना माटा डिजीज जो होता है वो होता है मरकरी से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 136 देखते हैं, मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन जो होता है वो किससे कहाँ पर, ओजोन डिप्लेशन जो होता है ऑब्जर्व कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये पाया जाता है 136 का सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लेशन जो होता है वो सदर्न पोल पर होता है, दक्षिणी ध्रुव। तो इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, थर्ड जो होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हीरा लाल के कन्हैया, ये सबसे करेक्ट आंसर है वन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 138, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक जो होता है जो एनिमल इनडेंजर्ड स्पीसीज हो जाते हैं, मतलब जो खत्म होने विलुप्त होने पर होते हैं उनको रखा जाता है। तो इसमें विलुप्त के करीब जीव, तो जैसे इंडिया में रेड डेंजर्ड एनिमल किसको माना, रेड डाटा बुक में कौन सा नाम है, चीता का नाम है। चीता इकलौता ऐसा भारत का एनिमल है जिसका रेड डाटा बुक में नाम जा चुका है। तो चीता इंडिया का इकलौता रेड डाटा बुक में एनिमल है, तो इसका क्या होगा, एनिमल नियर टू एक्सटिंक्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 139 से, इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो देखिए 139 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा से, रेखा शर्मा जो हैं ये हैं आपको अभी फिलहाल का नेशनल कमीशन चेयरमैन की अध्यक्ष, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 140 देख लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो ये 140 जो होगा उसका सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, एकदम करेक्ट आंसर है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज्यसभा संबंधित प्रस्ताव दिए गए हैं। तो देखिए पंचायती राज्यसभा संबंधित प्रस्ताव जो है वो आपको दिए गए हैं 9th में, ना कि 5th में। तो 141 का जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर 2 जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ये 9th जो है वो होगा, तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए इसको सही कर लीजिएगा, जो 2 है वो आपका करेक्ट आंसर है, 9th जो है ऑप्शन में 2। 44 संविधान संशोधन का अध्ययन, तो 44 देखिए 43 होता हुआ था रूलर के लिए, 44 ये भी कैंडिडेट का आंसर गलत है, तो 44 जो होगा वो होगा शहरी स्थानीय के लिए। तो थर्ड इसका 142 का जो हो गया ये आपका थर्ड करेक्ट है। 74 संशोधन जो हुआ है वो शहरी के लिए होता है और 73 जो होता है वो ग्रामीण के लिए होता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस गैस के वर्षों के पानी के घुलने के वर्षों का पानी अम्लीय हो जाता है, तो ये होगा 143 का सल्फर डाई ऑक्साइड, डी ऑप्शन कैंडिडेट का सही है। भारतीय संविधान में विधि के शासन विचार कहाँ से लाए गए हैं, तो ये 144 जो हो गया ये इसका इंग्लैंड करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए देखते हैं लास्ट, देखिए लोकसभा का चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, तो अधिसूचना जो जारी किया जाता है लोकसभा, तो वो जारी किया था भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 146, लोकसभा का कार्यवाही का प्रथम घंटे का कहाँ है, तो ये होता है प्रश्नकाल में। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्या है, वर्षा जल संग्रहण जो है वो कलेक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ रेन वाटर होता है, थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय ग्रैंड कहाँ संरक्षित है, तो भारतीय जो गेंडा है, भारतीय गेंडा मतलब इंडियन राइनोसोरस जो है वो कहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में। 149 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम परिस्थिति तंत्र के ऊर्जा प्रवाह से संबंधित में सही है, तो उत्पादन उपभोक्ता और उपघटक, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कौन सा ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ समाप्त होता है। और ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये मेरे दो मित्र हैं, एक मतलब मेरे साथ रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उन्हीं का पेपर है और वो अच्छा स्कोर भी किए हैं, 122 के करीब में उनका स्कोर आ रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, लगभग 120-122 इस तरह साइको छोड़कर उनको लगभग 100 नंबर के करीब में आ रहा है, 100-102 नंबर के करीब में साइको छोड़ के। ठीक है तो ये है कि अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे वो, सिलेक्शन हो जाएगा उनका,
और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना नहीं भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।